आपका एक सफर है सेंट्रो से मर्सिडीज तक का। तो बहुत बार इवन मैंने कल भी आपके शुभ मुख से सुना था ये चीज, तो थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहते हैं। सेंट्रो से भी पीछे चलेंगे तो स्कूटर से चल रहा है वो। अच्छा, जिसको आप जब ढलान आता था फ्लाईओवर के ऊपर बंद कर लेते थे कि नीचे अपने आप आ जाएगा। करेक्ट। मेरे पास स्कूटर था, मैंने 5 साल स्कूटर चलाया दिल्ली की सड़कों पे। गर्मी में परेशानी होती थी, हेलमेट लगाते थे तो पूरा का पूरा जो पसीना होता था उसकी खुशबू हमारी मतलब सुगंध फैलती थी। बरसात में फ्लाईओवर के नीचे रोक लेते थे ताकि पानी ना पड़े। तो 5 साल चलाया। जीवन का पहला गाड़ी सेंट्रो खरीदा, सेकेंड हैंड था, 2,40,000 का, 6,336 का ईएमआई था उसका, 80,000 डाउन पेमेंट किया था, 1,60,000 फाइनेंस कराया था। ये बात है 2001 की। तो पहला गाड़ी था और उसमें जब मैंने ले लिया तो एक दिन मैं दिल्ली गया तो उसमें पेट्रोल इतना लग गया कि मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मैंने कहा तो बहुत महंगी है यार। अच्छा, आदत नहीं था ना यार, वो स्कूटर पे तो बढ़िया मामला चलता था। तो मैंने कहा तो मर जाएंगे। तो नया नया उस ज़माने में ना LPG किट आता था, 5-6 हज़ार रुपये के अंदर वो लगा देते थे। तो मैं गया उसके पास, मैंने कहा भाई तू LPG लगा दे, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मर जाऊँगा पेट्रोल पर, इतना दूर जाऊँगा आऊँगा, इतना तो मुझे कमाई नहीं होगी जितना मेरा पेट्रोल लग जाएगा। तो उसने फिर वो LPG किट लगाया। उस LPG किट में क्या होता था, जो घर में सिलेंडर होता था वो भारत इंडियन का, वो 14 किलो का सिलेंडर जो गैस आप घर में यूज़ करते हैं वही लग जाता था डिग्गी के अंदर। तो अपन ने वो लगाया, फिर वो 1 रुपया किलोमीटर पड़ता था, 80 पैसे 85 पैसे किलोमीटर पड़ता था। और वो बहुत कन्वीनियंट था कि मैं घर से सिलेंडर उठाता और डिग्गी में लगा लेता। और पापा मुझे बहुत डांटते भी थे कि तू ये क्या कर रहा है, क्योंकि लड़के स्मोक भी करते थे मेरी गाड़ी में बैठ के। तो पापा मुझे बोलते साले तूने लाल बम लगा रखा, किस दिन फट जाएगा सिलेंडर लगा हुआ और वहीं सिगरेट पीते हैं तेरे दोस्त। तो मैंने बोला पापा कुछ नहीं होता, टेंशन ना लो। तो वहाँ से फिर हमने अपना कार का सफ़र शुरू किया और अभी S-क्लास तक पहुँचा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग कभी 2.25 करोड़ का गाड़ी चलाएंगे, जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। पर एक डायलॉग है ना सर, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। हाँ। कल सुना था मैंने, आपने पंडित जी को कह दिया था ऐसे, वो इंसिडेंट भी साथ में शेयर कर दो तो मज़ा आ जाएगा। नहीं, वो पंडित जी वाली कहानी बड़ी सिंपल सी ये है कि वो हमारे ज्योतिषी थे, वो फादर के हमारे मित्र थे, तो हाथ देखने मतलब हाथ दिखा रहे थे, मेरा देख रहे थे मतलब। तो मेरे पापा को यही बोल रहे थे हाथ देख कर कि ये लड़का या तो बर्बाद हो जाएगा या ये कुछ बड़ा करेगा। तो मैंने हाथ चटक के बोला पंडित जी नहीं, बर्बाद नहीं होगा, बड़ा करेगा कुछ। 9वीं 10वीं में था मैं, यहाँ तक मुझे याद आ रहा है। योर फेवरेट मोमेंट इन योर लाइफ? मैं 2000 साल तो याद नहीं आ रहा, 10-11 के आसपास होगा शायद। मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गया था मर्सिडीज के अंदर, सी क्लास थी मेरे पास उस ज़माने के अंदर। वो मेरा फेवरेट मोमेंट था जब पहली बार गया मर्सिडीज में, मैं मेरी वाइफ और मेरी बेटी। मैं फटाफट उतरा ड्राइविंग सीट से, घूम के गया, डोर ओपन किया। तो मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हम लोग कॉलेज जाते थे लिफ्ट मांग के, पैसा नहीं होता था, रिक्शा पे जाते थे। कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मर्सिडीज जैसी गाड़ी में अपना बच्चा हमारा स्कूल जाएगा। तो वो सबसे फेवरेट, अब तक का सबसे फेवरेट मोमेंट था। दूसरा सबसे बड़ा फेवरेट मोमेंट था जब मेरा दूसरी बिटिया हुई। तो जब मेरी दूसरी बेटी हुई, जब मैंने उसको पहली बार देखा, जब वो नर्स लेके आती हैं, तो वो मेरे को मतलब वो याद है मुझे, वो बहुत अच्छा था वो।